Hi students, good evening. How are you all? I hope you are good. I am also good here. Yes, I'm your reasoning ma'am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon button so that you will get the latest notification. So today we will continue our mathematical operation chapter. Okay, so actually mathematical operation is common for 6th class, 7th class and 8th class. ये सभी के लिए कॉमन है, बस क्वेश्चंस का थोड़ा सा वेरिएशन है. बाकी इसमें जो रोल जो प्रोसीजर है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हाउ टू द प्रोसीजर टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड द रूल विच इज अप्लाइड इन द मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सेम. सो बेसिक, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड पार्ट वन, दिस इज द पार्ट टू. वी हैव गिवन क्वेश्चन इन पार्ट वन, वी हैव कंप्लीटेड 6 क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. P equal to 6, J equal to 4, L equal to 8, M equal to 24, then ये equation हमारे पास क्या होगी? It means ये हमारे पास क्या दी हुई है? Coordinate form में दिया हुआ है. इसको हमें किस में दिया हुआ है? Coordinate form में दिया हुआ है. इस coordinate form को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपना step होता है कि इसको भाई अनकोड कीजिए. क्या कीजिए? अनकोड करेंगे इसको. सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको अनकोड करेंगे. तो चलो मेरे साथ साथ अनकोड करते हैं. एम को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? M को किससे रिप्रेजेंट किया गया भाई? 24 से. M की जगह मैंने क्या लिख दिया? 24 डिवाइड. इसमें सिर्फ जो अल्फाबेट्स है उनको रिप्लेस करना है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साइन है जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इनको चेंज नहीं करना है आपको. ठीक है, L की वैल्यू क्या दी गई है? 8 इंटू J कितना है? 4 प्लस 6. इसको सॉल्व करते हैं. पहले डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ से इंटू 4 प्लस 6. यहाँ से कितना आ जाएगा भाई? 4 3 जा 12, 12 प्लस 6 18. सो 18 इज द राइट आंसर. बोलो इस क्वेश्चन में कुछ था? कुछ भी नहीं था. स्टूडेंट सोचेंगे कि हम तो बाकी क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन को भी रिप्लेस कर रहे थे. इसमें मैम ने इसको क्यों किया? ये क्या दे दिया P इक्वल टू 6? भाई इसमें हमारे पास जो ये कोडेड फॉर्म में M L J P दिया हुआ था, इसको हमने अनकोड कर दिया. सिंपल, हमने इन्हीं की वैल्यू को लिखा. तो मैंने आपको जैसे कि समझाया हुआ है कि हमें सिर्फ उस वैल्यू को लिखना है जो कि हमें कोडेड फॉर्म में दिया गया है. ओके, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया. सबसे पहले डिवीजन को प्रीफरेंस दी हमने. किसको प्रीफरेंस दी? डिवीजन को प्रीफरेंस दी. फिर हमने मल्टीप्लीकेशन को प्रीफरेंस दी और बाद में तो एडिशन हो ही गया. तो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व. यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? 5 × 3 × 2. ये इस तरह से क्वेश्चन दिया है कोडेड फॉर्म में. इसको चलो अनकोड करते हैं. दिस इज द क्या, इसको क्या बोलते हैं? कोडेड फॉर्म. क्या बोलते हैं इसको? कोडेड फॉर्म. ठीक है, इसको अनकोड करते हैं हम. अब चलो अनकोड करते हैं. किया मैंने अनकोड कैसे? प्लस रिप्रेजेंट किसको कर रहा है भाई? माइनस को. मल्टीप्लाई किसको कर रहा है? प्लस को. डिवाइड, इस क्वेश्चन के अंदर आपकी बुक में मिस्टेक दी हुई है, यहाँ पे मिस्टेक दी हुई है, तो उसको करेक्ट कर लेना. ये क्वेश्चन है आपका. ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिवाइड को रिप्लेस करना है इंटू से, 10 माइनस को रिप्लेस करना है डिवाइड से. अब सबसे पहले प्रीफरेंस भाई किसको देंगे? भाई डिवाइड को देंगे. डिवाइड को देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2. बाकी क्या रहने वाला है? एज इट इज रहने वाला है. प्लस 2, 3, माइनस 5. अब किसको प्रीफरेंस देंगे? इस बार किसको देंगे? मल्टीप्लीकेशन को. मल्टीप्लीकेशन को देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 2 = 4 प्लस ये एज इट इज रहने वाला है. अब प्लस को, प्लस का 5 है, प्लस का 4 है, तो किसके आप प्रीफरेंस मिलेगी भाई? एडिशन को मिलनी चाहिए. एडिशन को मिलेगी तो प्लस का 4 प्लस का 5 कितना हो गया? 9. 9 माइनस 3 कितना होता है भाई? सबको पता है 6 होता है. 9 माइनस 6 3 कितना होता है? 9 माइनस 3 इज 6. तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बहुत ईजी हैं लेकिन फिर भी सोचा करा देती हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है कि P को डिनोट किया गया किससे? डिवाइड से. P का मीनिंग क्या है भाई? डिवाइड है. Q का मीनिंग क्या है? मल्टीप्लाई. R का मीनिंग है प्लस. S का मीनिंग है माइनस. तो हमें सबसे पहले जो कोडेड फॉर्म दिया है, दिस इज द कोडेड फॉर्म. ये क्या है? कोडेड फॉर्म है. और हमें इंस्ट्रक्शंस क्या दिए? दीज आर द इंस्ट्रक्शंस. ये क्या है? इंस्ट्रक्शंस है. तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो लेट अस अनकोड इट. इसको अनकोड करते हैं. 18 को एज इट इज रखेंगे. Q की जगह क्या आ जाएगा? Q की जगह मल्टीप्लाई 12. P की जगह क्या आएगा भाई? डिवाइड 4 एज इट इज. R की जगह क्या आ जाएगा? प्लस 5. S की जगह क्या आ जाएगा? माइनस 6.
अब इसको सॉल्व कर दो भाई, यहाँ पे डिवाइड को प्रीफरेंस देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18 इंटू 12 बाई 3, 4 कितना होता है, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 3 आता है, प्लस का 5 माइनस का 6 एज इट इज। अब मल्टीप्लीकेशन को प्रीफरेंस देंगे, 18 3 जा 54 प्लस 5 माइनस 6, अब ये मेरे पास प्लस का है, 54 प्लस 5 कितना होता है भाई 59 होता है, और 59 में से आप 6 करेंगे माइनस तो कितना आएगा 53 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 53 इज द राइट आंसर, कुछ भी नहीं है मल्टीप्लीकेशन, सिंपल। अगर आपको बोर्ड मास याद है इसमें भाई ब्रैकेट और ऑर्डर तो आया ही नहीं, सिंपल डिमास चल रहा है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन बस, और ये तो हमें आता ही, ये तो हम छोटे से है ना तब से सीखते आ रहे हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चलो इसको अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इसको अनकोड करो, ये मेरे पास इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ये कोडेड फॉर्म दी हुई है, इसको अनकोड कीजिए, 2 प्लस की जगह क्या आएगा, प्लस की जगह आएगा इनटू 15, डिवाइड की जगह क्या आएगा प्लस, ठीक है, माइनस की जगह क्या आएगा, माइनस की जगह आएगा डिवाइड, 3 इनटू की जगह क्या आएगा माइनस, इसको सॉल्व कर दो, ईच को पहले प्रीफरेंस देंगे, यहां से कितना आ जाएगा 2 इनटू 15 प्लस में 5 माइनस में 8, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लीकेशन को प्रीफरेंस देंगे, मल्टीप्लीकेशन देंगे तो 15 टू जा 30, 15 दूनी 30, ये 30 रहेगा यहाँ पे, ये प्लस का एज इट इज चलेगा, प्लस का 5 माइनस का 8, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, 30 प्लस 5 कितना होता है भाई 35 होता है, 30 प्लस 35 होता है माइनस का 8, अब 35 में से 8 गया कितना आ जाएगा 27 इज द राइट आंसर, बोलो कुछ भी था इसमें, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन था। सबसे पहले मैंने इसको अनकोड किया, अनकोड करने के बाद मैंने क्या किया, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, ये मैंने 5 लिख दिया, बाकी चीज़ों को एज इट इज रखना है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन किया, 15 टू जो 30, ये कितना आ गया भाई 30 आ गया, प्लस का 5 एज इट इज रहा, माइनस का 8 एज इट इज रहा, 30 प्लस 5 कितना होगा भाई 35 हो गया, माइनस का 8, 35 में से 8 जाएगा तो 27 ही आएगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, चलो और क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। भाई क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया गया है, हमें सिंपल ए बी सी हमारे पास ये कोडेड फॉर्म में दिए गए हैं, और इसमें देखो ब्रैकेट का भी यूज है, इसमें देखो यहाँ से आप सीखेंगे कि ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको अनकोड कर लेते हैं, सबसे पहला स्टेप जैसे ही मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन देखें उसको अनकोड करो, पहले अनकोड किया, ब्रैकेट एज इट इज रहेगी 10, सी की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ए की प्लेस पे क्या आ जाएगा एडिशन, 4 सी की जगह क्या आ जाएगा अगेन मल्टीप्लीकेशन, और बी की जगह क्या आ जाएगा माइनस का, और 6। तो आप क्या सॉल्व नहीं कर सकते भाई, ये वाली ब्रैकेट कोई भी ब्रैकेट ले लो, ब्रैकेट सॉल्व करनी है हमें, यहां से इस वाली ब्रैकेट से क्या आएगा 10 इंटू 4 40 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 आ जाएगा माइनस का 6, 40 प्लस 16 कितना होता है भाई 56 होता है, माइनस का 6 कितना आ गया 50 इज द राइट आंसर, बोलो। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे मैम आपने पहले बताया था ब्रैकेट में भी होता है बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट और कर्ल ब्रैकेट, भाई जब बच्चे यहाँ पे एक ही ब्रैकेट दी हुई है ओनली स्मॉल ब्रैकेट दी हुई है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैम पहले इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, भाई ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों किस में है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन है, हाँ डिवीजन वगैरह होता तो हम सोच सकते थे, फिर भी हम क्या करेंगे अपने ब्रैकेट को प्रेफरेंस दिया तो मल्टीप्लीकेशन था दोनों में सेम, हमने इसको 40 बना दिया इसको 60 लिख दिया और बाकी सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दिया, बोलो कितना इजी क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द क्वेश्चन नंबर 12 इज, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है, सिंपल डिजिट्स दे रखे हैं, तो पहले इसको अनकोड करेंगे भाई, प्लस का मीनिंग क्या है माइनस, मल्टीप्लाई का मीनिंग है डिवाइड, डिवाइड का मीनिंग है प्लस, माइनस का मीनिंग है मल्टीप्लाई, चलो अनकोड करते हैं, 252 मल्टीप्लाई को रिप्लेस करना भाई किससे, डिवाइड से, माइनस को मल्टीप्लाई से, प्लस को माइनस से, डिवाइड को प्लस से, राइट करो इसको सॉल्व, 9 × 18 नॉट ए बेहतर, यहाँ से कितना आ जाएगा 28, 9 टू जा 18, 18 में 7 जोड़ेंगे 25 और 9 8 जा 72,
तो कितना हो गया 28, यहाँ से आ गया, बाकी सभी हमने एज इट इज रखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आप सभी को सिखा रखा है कि 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो ये नंबर है इसका हाफ कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बस माइनस का 32 प्लस का 92 कर दो इनको ऐड, प्लस प्लस वालों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 232 माइनस में 32 कितना आ जाएगा, 200 इज द राइट आंसर, कितना आ जाएगा, 200 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई कोई भी नंबर का आप मल्टीप्लाई करना किससे, 5 से, तो क्या होगा, जो भी गिवन नंबर होगा उसको हाफ कर दो, 28 का हाफ कितना है 14, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 140, बाकी मैंने एज इट इज रखा। तो इस तरह से मेरे पास क्वेश्चन, यहाँ से हमने 5 का मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया कि 5 से किसी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है, और हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। भाई प्लस का मीनिंग बता रहा है कंबाइन डिवाइड, माइनस का मीनिंग दे रखा प्लस, और डिवाइड का मीनिंग दे रखा मल्टीप्लाई। चलो अनकोड करो इसको, अनकोड करते हैं, 24 एज इट इज रहेगा, डिवाइड की जगह हम क्या लिख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, माइनस की जगह लिख रहे हैं हम प्लस, और प्लस को रिप्लेस कर रहे हैं डिवाइड से। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, प्लस में 12, मैं ऐसे कर देती हूँ, जिसको रिप्लेस करूंगी सिर्फ उसी को ही हाईलाइट कर देती हूँ, प्लस 12 एज इट इज इंटू 24 एज इट इज। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, 12 से, 12 चौक 48, 4 12 दून 24, 4 28, 288 यहाँ से आ गया, और प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, तो बताओ यहाँ से कितना आ गया, 288 में 2 जोड़ेंगे तो 290 इज द राइट आंसर, 290 इज द राइट आंसर, 290 क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 12 चौक 48 सीधा मल्टीप्लाई किया, 4 कह लिया है, 12 24 24 और 4 28। सो द क्वेश्चन नंबर 14 इज माइनस डिनोट्स इट, डिवाइड डिवाइड डिनोट्स माइनस, प्लस डिनोट्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिनोट्स प्लस। तो चलो अनकोड करते हैं इसको, अनकोड करेंगे तो 12, ये 12 रहेगा, माइनस को रिप्लेस कर देंगे डिवाइड से, मल्टीप्लाई को रिप्लेस करना प्लस 7 से, प्लस को रिप्लेस करना मल्टीप्लाई से, और डिवाइड को रिप्लेस करना माइनस से। कर दो इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डिवाइड को प्रीफरेंस दिया, कितना आया, 3 चौक 4 किया 12, 3 आ जाएगा यहाँ से, बाकी एज इट इज रहने वाला है, बाकी एज इट इज रहेगा, प्लस 7 इंटू 8 माइनस का 5। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई को प्रीफरेंस देंगे, कितना आ जाएगा 56, 3 प्लस 56 माइनस में 5। अब 56 प्लस 3 कितना होता है भाई, 59 होता है, 59 माइनस 5 कितना आएगा, 54 इज द राइट आंसर, कितना, 54 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, हम इस तरह से सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, एनी क्वेश्चन वी कैन सॉल्व, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम मैथमेटिकल ऑपरेशन का। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 15। भाई इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको अनकोड करना पड़ेगा, ये कोडेड फॉर्म दिया, क्या दिया है, कोडेड फॉर्म दिया है, इसको चलो कोडेड फॉर्म में इसको अनकोड कीजिए, अनकोड करेंगे तो क्या आएगा, 18 एज इट इज रहेगा, सी की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, 14 एज इट इज, ए की जगह क्या आ जाएगा भाई प्लस 6। अपना यहाँ पे ध्यान होना चाहिए लिखने पे, क्या है ऊपर ये होना चाहिए, क्या रिप्लेस हो रहा है फटाफट से, जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है, d माइनस 16, d किससे है, डिवाइड से 4 कर दो, अब बॉडमास लगा दो, बॉडमास लगाएंगे तो यहाँ पे लगेगा सबसे पहले, यहाँ से क्या आएगा 4, बाकी क्या रहेगा सब कुछ एज इट इज रहेगा, 18 इंटू 14 प्लस में 6 माइनस का 4। अब कहाँ लगेगा बॉडमास, अब लगेगा बॉडमास हमारे पास यहाँ पे 14 इंटू 18, 14 इंटू 18 लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 18 फोर जा 72, 7 18 25, 252 प्लस 6 माइनस का 4, भाई मल्टीप्लाई कर लो, 18 चौक 72, 7 कह रही 18 और 7 25, अब 256 सॉरी 252 प्लस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ से 258, 258 में से 4 गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 माइनस 4 कितना आता है 2 होता है, 252 में 2 ऐड करोगे तो 4 आएगा, लेकिन हमें अपनी इतनी हैबिट होनी चाहिए कि हमें अपने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 254 इज द राइट आंसर।
ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास। देखने में इतना खतरनाक लग रहा था कि ये 18C 14D कैसे करेंगे, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व करने लगे तो बहुत इजी बन गया हमारे लिए। एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, लेट्स सी। यस, तो क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा डिफरेंट है, बस लैंग्वेज का खेल है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन हमें दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंजेस, कौन सा इसमें से इंटरचेंज करे कि साइंस, कौन से साइंस को इंटरचेंज करे और कौन से नंबर को इंटरचेंज करे, ताकि जो ये इक्वेशन है 3 + 7 × 4 = क्या आ जाए, 25 आ जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ आपको, 3 और 4 को रिप्लेस कर दो। 3 और 4 मीन्स जहाँ पे 3 है, जहाँ पे 3 दिख रहा है ना वहाँ पे 4 को लिख दो, जहाँ पे 4 दिख रहा है वहाँ पे 3 को लिख दो, और जहाँ प्लस है वहाँ पे मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दो। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, साइंस को इंटरचेंज कर दो। चलो करते हैं मेरे साथ इंटरचेंज। 3 की जगह मैंने 4 कर दिया और प्लस की जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, और 7 एज इट इज रहेगा क्योंकि 7 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और मल्टीप्लाई की जगह मैंने प्लस कर दिया है, और बाकी मेरे पास 3 आ गया 4 की जगह। तो 4 × 7 = 28, 28 और प्लस 3 कितना होता है भाई, 31 होता है। यहाँ से तो क्या आया, 31 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 25। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। हमें तो ट्रू बताना है, कौन सा ट्रू होगा भाई, कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। चलो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या दिया हुआ है कि 3 और 7 को इंटरचेंज करना है और साइंस को आपस में चेंज करना है। तो 3 और 7 को करेंगे तो कैसे करेंगे, 7 + कितना हो जाएगा, क्या होगा, 7 × 3 + 4 हो जाएगा भाई। 7 × 3 कितना आता है, 21, 21 प्लस 4 कितना होता है, 25। कंडीशन सेटिस्फाई, यहाँ से कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाइड हो गई। कंडीशन क्या हो गई है भाई, सेटिस्फाइड हो गई है। आई थिंक इससे थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा है ग्रीन मार्कर से, सो दैट आई विल यूज द रेड मार्कर। ओके, रेड मार्कर से मैं यूज कर लेती हूँ। ऑप्शन नंबर बी से हमें पता चल गया भाई सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी से सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन कि सिंपल मैंने क्या किया, 3 की जगह मैंने 7 को कर दिया। जैसे इक्वेशन मेरे पास क्या थी, इक्वेशन थी 3 + 7 × 4 था, तो इसने कहा 3 की जगह है वो 7 कर दो, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, और जो ये साइंस है इनको भी इंटरचेंज कर दो। यही चीज मैंने कहाँ लिखी है, यहीं पे लिखी है कि मैंने 3 की जगह क्या कर दिया, 7, प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, और 7 की जगह मैंने 3 लिख दिया, और प्लस की जगह मैंने मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दिया। तो यहाँ से इक्वेशन क्या सेटिस्फाई होगी, हो गई सेटिस्फाई, 25 आ गया। चलो इसको और कर लेते, थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। 4 और 7 को इंटरचेंज करना है, किसको, लास्ट के दो हैं जो उनको चेंज करना है नंबर्स को, और जो सिंबल्स है उनको भी चेंज करना है। तो करो मेरे साथ साथ, 3 + 7 × 4 दिया हुआ है, इसके सिंबल्स को चेंज करेंगे। 3 की जगह क्या कुछ नहीं करना, हमें तो 4 और 7 को चेंज करना है, 3 एज इट इज रहेगा। प्लस की जगह क्या करना है हमें, प्लस की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई, और 7 की जगह क्या करना है, 4, और मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है, प्लस इन, और 7, 4 की जगह 7 कर दिया। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 12 + 7 कितना हो जाएगा भाई, 19। क्या ये 25 के इक्वल है, नहीं, इट मीन्स ये हमारे पास ट्रू नहीं है, तो डी तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आपसे इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैं ये नहीं बोल सकती इट वाज ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, नहीं, ये थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड था, हमें सिर्फ स्टेटमेंट को रीड करना आना चाहिए कि किस तरह से हमें प्रोसीड करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो इट वाज इजी क्वेश्चन, इसमें ट्रू बताना था कौन सा ट्रू है, सिंपल इसमें भी इक्वेशंस को सॉल्व किया हमने, कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पे साइंस मीन्स प्लस और माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई है, और नंबर्स क्या है हमारे पास, 3, 7, 4, इनको आपस में इंटरचेंज करना है, और जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए वही हमारे पास राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन के जितने भी क्वेश्चन थे आपके क्लासेस में, यही इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं 6th, 7th में हमारे पास। 8th में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल, थोड़ा सा माइनर सा 1% ज़्यादा हो सकता है, लेकिन डिफिकल्ट उसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। सो स्टूडेंट, आप 6th और 7th क्लास के स्टूडेंट्स के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं जितने पॉसिबल हो सकते थे, तो आप अभी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना, ओके। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप रिवाइजिंग, ओके। सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो
अब अलविदा लेते हैं। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, बाय।